काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है, नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर आया था और जो है आराम से आ गया। ये इसके अंदर ही है बोट, और नीचे मैं देख के आऊँ तो दिख भी जाएगी, पानी के अंदर जाके देखता हूँ एक बार थोड़ा सा। तो सुबह सुबह का टाइम है और आज मैं सबसे पहले इस वाली रिवर का फ्लो चेक कर लूँ, क्योंकि आज मुझे यहाँ पे एक स्पीड बोट लेके आनी है। उस स्पीड बोट का ऑर्डर मैंने जो है दो तीन दिन पहले दिया था, अब वो रेडी हो चुकी है और मैं उसकी डिलीवरी ले सकता हूँ, और वो शोरूम पर खड़ी हुई है, और उसे ला के मैं आज इस वाली रिवर में चला के देखूँगा। और इस वाली रिवर को देखना भी है कि ये रिवर कहाँ तक जाती है, आगे क्या क्या है इस रिवर पर। बाकी यहाँ पे जो है अपने फार्म पे मैंने लास्ट टाइम कनोला लगा दी थी पूरी की पूरी, और कनोला को लगाए हुए दो तीन महीने हो चुके हैं और थोड़ी थोड़ी ग्रो भी होने लगी है, बट इसमें जो है और घास फूस भी उगने लगी है। तो इसमें जो है मुझे आज हर्बिसाइड लाके डालनी पड़ेगी, उसका स्प्रे करना पड़ेगा ताकि यहाँ से ये घास वगैरह हट जाए और अपनी क्रॉप भी ग्रो हो, ये फालतू की चीज़ें ग्रो ना हो। बाकी एक बार काउस को भी देख लेता हूँ, काउस के लिए खाना तो मैंने डाल दिया था और खाना काफ़ी सारा है, और काउस ने थोड़ा बहुत वैसे मिल्क भी दिया होगा, एक बार देख लेता हूँ क्या होता, थोड़ा बहुत मिल्क दे दिया हो तो। मिल्क भी देना शुरू कर दिया है काउस ने, 1111 लीटर दिया है, तो 111 लीटर मिल्क हो गया। और बाकी चीज़ें भी ठीक है, अभी TMR वगैरह भी पड़ा हुआ है, और ये जो है पिक्स के लिए भी फूड बचा हुआ है, हॉर्स के लिए भी फूड बचा हुआ है, और अभी तीन ही एनिमल है। शीप नहीं लेके आया मैं, अभी शीप के लिए भी जो है बांध बनाना है, तो आज काउस का मिल्क सेल करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट आएगा, तब देख लूंगा। बाकी इस वजह से डॉग को थोड़ा सा खाना डाल देता हूँ, अभी सुबह सुबह का टाइम है, इसका दिन भर का काम चल जाएगा, इसे एक बार यहाँ पे खाना डाल दूंगा। और आज जो है ऊपर से ट्रीज भी कट करके लेके आने हैं, वहाँ से अपना ट्रैक्टर भी लेके आना है। तो अभी मुझे वैसे जो है एक गाड़ी और एक ट्रेलर चाहिए होगा, ट्रेलर तो जो है बोट के लिए दूसरे वाला मुझे परचेज करना पड़ेगा, और गाड़ी भी जो है मैं एक और रेंट पर लेने वाला हूँ। एक और गाड़ी आई है, वो भी SUV है, वो भी जो है रेंट पर लेता हूँ मैं अभी। तो ये वाली बोट है वो जो मैं लेने वाला हूँ, और ये बोट काफ़ी सही है, स्पीड बोट है ये, और इसमें 4-5 बंदे आराम से बैठ सकते हैं, और इसमें बाकी ज़्यादा कुछ कस्टमाइजेशन वगैरह की ऑप्शन है नहीं, इसको ऐसा का ऐसा ही ले लेता हूँ। ये हो गई, और इसे ले जाने के लिए एक ट्रेलर मुझे परचेज करना पड़ेगा, इसके लिए अलग से ट्रेलर आता है, ये मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया भी था, ये लाइट वाला ट्रेलर। और इसमें भी जो है सब चीज़ ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसका जो है कलर चेंज कर सकता हूँ, इसका मैं कलर कुछ ऐसा कर सकता हूँ, ये ठीक नहीं लग रहा, अगर करना है तो नॉर्मल वाइट ठीक लगेगा, या फिर स्टॉक वाला कलर ही ठीक है, यही ले लेता हूँ। वैसे कलर की थोड़े एक्स्ट्रा पैसे थोड़ा लग रहे हैं, या लग रहे हैं $3000 लगे हैं क्या, नहीं $3000 तो वैसे भी लग रहे हैं, $7500 का आ रहा है ये, और ये वाला $9000 का। इसमें चेंज क्या है, इसमें रिम्स थोड़े डिफरेंट है, इसमें अलग है, ये नॉर्मल वाला ही ले लेता हूँ, नॉर्मल वाले में जो है इसमें वाइट कलर करा लेता हूँ, ये ठीक रहेगा। तो जो नई गाड़ी मैं परचेज करने वाला हूँ वो है टोयोटा हिलक्स GR, और टोयोटा हिलक्स जो है मेरे पास एक पहले फार्म पे है कामजन वाले पे, बट वो पुराना मॉडल है, ये वाला नया मॉडल है। और इससे पहले मैंने एक टोयोटा हिलक्स परचेज की हुई है अपने मेन फार्म पे, बट वो GR नहीं है, वो नॉर्मल वाली एडिशन है, इनविंसिबल वाली, ये GR वाली है, इस पर यहाँ लिखा हुआ भी है टोयोटा गाजो रेसिंग करके। तो ये टोयोटा GR है जो अभी नया स्पेशल एडिशन आया है, और बाकी से मैंने कुछ कस्टमाइजेशन वगैरह करवाई हैं, आगे लाइटें वगैरह लगवाई हैं, और इसका कलर भी जो है ये स्पेशल एडिशन वाला है, ये मैसी वाला कलर है जो मैसी ट्रैक्टर का आता है, और इसमें अलॉय वगैरह तो सब कुछ स्टैंडर्ड वाले लगे हुए हैं, बाकी ये वाला कलर ठीक लग रहा है, और इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस कराने की मेरे को जरूरत लग नहीं रही, सब कुछ तो है, बस पीछे ट्रेलर हिच मैंने एक एक्स्ट्रा लगवा लिया जिससे मैं ट्रेलर को खींच पाऊंगा। तो अब इसे भी जो है लीज पे ले लेता हूँ। तो अपने आज के लिए सारे व्हीकल्स हो गए, और ये वाली गाड़ी एक और आई है लैंड रोवर डिफेंडर 90, और इसे ही मैं ले सकता हूँ, और ये ज़्यादा महंगी तो है नहीं, और देखने में भी ठीक ही लग रही है, बट इसे बाद में ही लूँगा, अभी खेत से जब हार्वेस्ट निकलेगा पहले वाला, मैंने करोला लगाया हुआ है, उसके बाद जो है इसे लेके जाऊंगा, अभी के लिए इतना ही ठीक है। और ये यहाँ पे आ चुकी है अपनी गाड़ी नए वाली, और काफ़ी सही लग रही है, ये कलर तो जो है काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है, यहाँ पे धूप में शाइन कर रहा है, और अलॉय वगैरह भी अच्छे हैं इसके, और पीछे इसमें ये कवर है, खुल जाता है और बंद हो जाता है। बाकी यहाँ पर वाली बोट आ चुकी है, और बोट का जो ट्रेलर है उसके अलॉय तो कुछ ज़्यादा ही शाइन कर रहे हैं, इन अलॉयस में जो है लाइट लगी हुई है, और लाइटें भी काफ़ी सही हैं, अपने आप ही पैटर्न भी चेंज हो रहा है, और अपने आप ही कलर भी चेंज कर रही है। और ये वाली बोट इन्होंने थोड़ी सी टेढ़ी लगा के दी है, इसको थोड़ा सा सही कर लूँ इसके ऊपर, और ये थोड़ा सा मूव तो हो नहीं रही, ये ट्रेलर मूव हो रहा है, एक काम करता हूँ इसे पहले जो है गाड़ी से अटैच करता हूँ। और ये गाड़ी तो काफ़ी सही है, पिकअप तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक मिनट इसके इंटीरियर भी देख लूँ, इसके इंटीरियर पहले वाली टोयोटा हिलक्स की तरह है, इंटीरियर तो सेम है, इंटीरियर में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, मेनली जो है इसके इंजन में और सस्पेंशन वगैरह में चेंजेस है। तो जो ये GR एडिशन है इसमें कुछ यहाँ पे थोड़े बहुत बाहर कॉस्मेटिक चेंज है, जैसे ये यहाँ पे फेंडर लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है, अंदर इंजन थोड़ा अलग से ट्यून किया हुआ है,
और बाकी इसमें सस्पेंशन थोड़ा सा अलग से है। और एक बार बाहर से इसकी लाइटें भी ऑन करता हूँ। ये जो है इसकी एक्स्ट्रा वाली लाइटें काफ़ी तेज़ हैं जो मैंने नीचे बम्पर में लगवा रखी हैं। अब इसे ज़रा ट्रेलर से अटैच कर लूँ और ये पीछे से खुल गया है और ये सारी खिड़कियाँ खुल जाती हैं इसकी, और ये पीछे से इसका कवर बंद हो जाता है और खिड़कियाँ ही बंद हो गई। और पीछे की लाइटें काफ़ी सही हैं, पीछे भी लाइटें डिफरेंट तरह की लगी हुई हैं। ये तो उससे अटैच होगी, अब थोड़ा सा इसे आगे निकाल लूँ, उसके बाद देखूँगा इस बोर्ड को सही करने की ज़रूरत है या फिर बोर्ड ही ऐसे चली जाएगी। वैसे तो मेरे को लग रहा है फिक्स से है इसके ऊपर, गिरेगी नहीं। बेल्ट वगैरह बांधने की ऑप्शन है क्या इसमें? है तो शायद बेल्ट बांधने की ऑप्शन। एक मिनट, यहाँ पे आया तो है ऑप्शन में कुछ, मैंने बेल्ट तो इधर बांध दी है। हाँ, ये बेल्ट बन गई नीचे से, यहाँ से तो दो बेल्ट हैं, गिरेगी नहीं। और इसको मैं ज़्यादा वहाँ तक लेके जाऊँगा नहीं, अपने फार्म तक वैसे ले आ सकता हूँ, बट बीच में एक रास्ता हो रहा है जहाँ पे मैं इसको जो है रिवर में उतार सकता हूँ। और एक बार ये रिवर में उतर गई तो मैं इसको रिवर में ही पार्क रख लूँगा, और अपने घर के वहाँ रिवर तो पीछे है ही, वहीं उधर पार्क कर दिया करूँगा। और रिवर में ही चलाना है इसको, रिवर से निकालना ही नहीं है। तो अभी देखते हैं, अभी थोड़ा सा चला लूँ, अगर ये थोड़ा सा यहाँ से हिलने लगेगी तो यहीं से उतार लूँगा, और अगर इस ट्रेलर पर सही से रही, ज़्यादा हिली नहीं, तो अपने घर के वहाँ ले जाऊँगा, वहाँ उतार लूँगा। अभी तो ठीक ही लग रही है, इतना ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा कि इससे गिरेगी, बेल्ट की वजह से जो है टाइट हो गया है, सही है अभी तो। और ये टायर जो है काफ़ी सही लग रहे हैं, रात को तो ये अलग ही रोशनी देने वाले हैं। और यहाँ पे मुझे लेफ्ट वाले मिरर में पीछे दिख रहा है, तो बोर्ड ठीक है अभी, अभी तो खिसक नहीं रही। यहाँ से जो है थोड़ा सा आराम से मोड़ता हूँ, यहाँ तेज मोड़ने में तो पक्का पलट ही जाएगी। ये गाड़ी वाला पहले ही रुक गया बोर्ड को देख के, इसे बचा के निकालता हूँ कहीं इसके बोर्ड लगा ना जाए। आ गया अपने फार्म के यहाँ तक तो, और पीछे से थोड़ा आराम से मोड़ना पड़ेगा, बस आ गई, कोई इशू हुआ नहीं। तो ये बेल्ट की वजह से फिट है, इसके ऊपर गिरी नहीं है। और अब यहाँ से इसे उतारने के लिए राइट साइड से लेना पड़ेगा, राइट साइड में थोड़ा सा स्लोप है उतारने के लिए, थोड़ा आराम आराम से निकाल लेता हूँ यहाँ पर। बस यहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी को पानी में आधा ही ले आता हूँ, ज़्यादा नहीं ले आता, नहीं तो पानी में जो है गाड़ी ये नीचे चली गई तो रिवर जो है काफ़ी ज़्यादा गहरी है, बस यहीं पे अनलोड हो जाएगी। और इसकी पहले मुझे ये वाली बेल्ट खोलनी है, बेल्ट तो मैंने इसकी खोल दी, अब इसको उतारना है। और ये थोड़ा पानी में तो है ही यहाँ से लेफ्ट साइड से, ओह थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ी उतर गई, थोड़ा पीछे करता हूँ, पलट जाएगी, टेढ़ी हो रखी है यहाँ पर। ठीक है, आ गई पानी के अंदर, और आवाज़ तो इसका इंजन बिल्कुल भी नहीं कर रहा। अब थोड़ा सा चला के देख लेता हूँ, अभी थोड़ी टेढ़ी है ये पानी की वजह से, शायद थोड़ा पानी के बीच में ले आता हूँ तो। ओ तो ये क्या हो गया, ये तो पानी के अंदर ही चली गई, मैं थोड़ा सा ट्राई कर रहा था, सीधा डूब ही गई। इसमें क्या इशू हुआ, मैं इतनी मेहनत से इसको लेके आया, ये पानी के अंदर ही डूब गई। ये कैसी बोर्ड बना के दी है, ये मैंने स्पेशल ऑर्डर दिया था और यहाँ पे जो है पानी के अंदर ही चली गई। वो तो सही है, मैं इससे बाहर निकल गया एकदम से, तो अभी जो है मेरे को उस बोट के अंदर से निकलवाना पड़ेगा इसके। ये इसके अंदर ही है बोट, और नीचे मैं देख के आऊँ तो दिख भी जाएगी, पानी के अंदर जाके देखता हूँ एक बार थोड़ा सा। एक तो पानी भी ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा इसके अंदर, तो मैं इस बोट को निकलवाता हूँ, इस बोट को निकलवाने का मुझे ट्राई करना पड़ेगा। इस बोट को निकलवा के एक बार बोलता हूँ यहाँ पर ला के, खुद डिलीवर करेंगे। ये बोट तो जो है मुझे फिर से मिल गया, इन्होंने यहाँ पे निकाल के दे दिया, बट ये अभी इतना सही से काम कर नहीं रही। इसकी टॉप स्पीड तो 120 की है, बट ये जहाँ पे जाते चल नहीं पा रही, और इसको मैं बीच में लेके जा नहीं रहा क्योंकि ये थोड़ा डूब सकती है। इधर जो है साइड साइड में चला के आराम आराम से चला के देख रहा हूँ, यहीं पर ठीक है, क्योंकि डूब गई तो जो है फिर से बुलाना पड़ जाएगा फिर निकलवाने के लिए। से अभी साइड साइड से चला के ले चलता हूँ थोड़ा आगे तक, और अभी जो है ये नई नई बोट है, थोड़ा सा इसको जो है एक बार मैं ढंग से चलाना सीख लूँगा, तो उसके बाद फिर इसे प्रॉपर तेज चला के देखेंगे। तो ये बोट का जो है शायद इंजन अभी सही से काम कर नहीं रहा है, इसलिए ये जो है कुछ जगहों पे ज़्यादा नीचे चली जाती है, इसमें पानी भी आ जाता है, और आवाज़ तो इसका इंजन बिल्कुल कर भी नहीं रहा है। ये इलेक्ट्रिक बोट है क्या? इलेक्ट्रिक तो नहीं है, आ तो इसमें फ्यूल का मीटर रहा है, बट इंजन बिल्कुल साइलेंट है, या फिर इसका इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ है। इसको मैं ऐसे ही चलाए जा रहा हूँ, ये पानी का फ्लो इस साइड है तो इस साइड चल रही हो, इंजन तो स्टार्ट है, ये 60 की स्पीड तक पे जा रही है, बट आवाज़ बिल्कुल नहीं है। इसमें हॉर्न वगैरह है? हॉर्न तो है, इसमें भी स्कूटी वाला हॉर्न दिया है, सब में एक ही हॉर्न लगा के दे रहे हैं। और यहाँ से अपना घर तो आ ही जाएगा आगे की तरफ,
वो सामने वहाँ पे दिख गया है, तो साइड साइड से जाके अपने घर के वहाँ जाके पार्क कर देता हूँ। और इधर तो रिवर कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई, इधर यहाँ से कोने से लानी पड़ेगी, बीच में रिवर काफ़ी ज़्यादा गहरी है, बीच में लेके जाऊँगा। अभी इधर कोने कोने से बस अपना घर आने वाला ही है, ये आ ही गया, ये अपना फार्म ही है इधर, तो इधर ही कहीं पार्किंग में लगा देता हूँ साइड में, या थोड़ा सा आगे करके लगाता हूँ। इधर की साइड थोड़ा पानी गहरा होगा, क्योंकि यहाँ कॉर्नर पे तो मैंने जो है अपना घर बना लिया था, इसका प्लेटफॉर्म तैयार किया था, मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ, यहीं ठीक है, इसको बाद में चला के अब और ट्राई करेंगे। और इस वाली गाड़ी को पार्किंग में लगाता हूँ, उससे पहले इस वाले ट्रेलर को जो है ना यहीं पर पार्क कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत भी यहीं पड़नी है। गाड़ी जो ये काफ़ी ज़्यादा सही है, चलाने में से काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और इसके लिए पार्किंग, इसको तो घर के अंदर पार्क कर देता हूँ, या फिलहाल तो यहीं छोड़ता हूँ, अभी तो काम करना है। अभी जाके मुझे हर्बिसाइड स्प्रे करने वाली मशीन लेके आनी है, और ऊपर से ट्रैक्टर लेके आना है। तो ऊपर माउंटेन पे जितने भी वुडलॉक्स कट किए हुए हैं या फिर मुझे कट करने हैं, उन्हें लोड करने के लिए एक ट्रेलर जो है नया आया है, उस वाले ट्रेलर में आसानी से लोड हो जाएंगे। और ऊपर से मैं आसानी से ले भी आऊँगा, क्योंकि जो ऊपर ट्रैक्टर है वो तो इलेक्ट्रिक वाला है, वो बहुत कम पावरफुल है, उससे जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, इसलिए पहले मैं वाला ट्रेलर परचेज़ कर लेता हूँ, और उसके बाद एक बार माउंटेन के ऊपर जाके वुड लेके आता हूँ, फिर काऊ का मिल्क सेल करके आएंगे। तो अभी वुड के लिए जो है ये वाला ट्रेलर मुझे मिला है, इसमें जो है मैं काफ़ी सारे वुड लॉग्स लोड करके ला सकता हूँ, बाकी इसमें ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, इसमें सिर्फ व्हील का ब्रांड चेंज कराने की ऑप्शन है, वो भी मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इसे ले लेता हूँ और इसे लेके चलता हूँ माउंटेन के ऊपर। तो ये वाली वो अटैचमेंट है, ये पीछे तो ट्रेलर है, ये ट्रेलर जो है इससे अटैच हो रखा है, और ये आगे छोटा ट्रैक्टर टाइप का सा है, तो ये छोटा सा कोई ट्रैक्टर ही, हाँ ट्रैक्टर ही है, पीछे इसमें जो है परमानेंटली अटैच कर रखा है, और उसके टायर वगैरह काफ़ी हैवी हैं, पीछे के टायर भी हैवी हैं, तो ये सही है, काफ़ी हैवी ट्रीज़ को भी जो है आराम से ऊपर से उठा कर ले आएगा। और ऊपर जाने के लिए मुझे जो है यहाँ से राइट लेना पड़ेगा, ये वाला रास्ता ही जा रहा है ऊपर, तो इसी रास्ते से ऊपर मैं पहुँच जाऊँगा जहाँ पर जो है अपनी ज़मीन है, वहाँ पर ट्री है, वहाँ पर ट्री कट करके लेके आता हूँ। और ये क्या है, इसमें अंदर स्टेयरिंग ही नहीं है, चल कैसे रहा है ये विदाउट स्टेयरिंग वाला है, ये मुड़ता कैसे है, मुड़ते हैं कैसे हो रहा है इसमें ये शायद जॉयस्टिक है, यहाँ पे इन जॉयस्टिक से मुड़ रहा है ये सामने दोनों हाथों में जो है जॉयस्टिक है, और राइट साइड में इसकी चाबी लगी हुई है, तो सही है तो ये विदाउट स्टेयरिंग का, बट कंट्रोल काफ़ी सही हो रहा है, ये इस जॉयस्टिक से कंट्रोल हो रहा है, तो इसको चलाना भी जो है गेम खेलने जैसा ही हो रहा है। और यहाँ से मैं शॉर्टकट लेके ही आ गया सीधा ऊपर की तरफ, क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें काफ़ी ज़्यादा पावर है, ये इजीली चला जाएगा यहाँ से, और चढ़ भी रहा है, काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है, नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर आना था और जो है आराम से आ गया, वो सामने खड़ा हुआ अपना ट्रैक्टर वहाँ पर, इधर देख गया मुझे। और यहाँ पर तो जो है मैक्सिमम ऊँचाई पर मैं आ चुका हूँ, मतलब इससे ऊँचाई पर भी एक रास्ता जाता है जहाँ से पिछली बार मैं गिरते गिरते बचा था, बट ये वाली जो जगह है ये अपनी है, यहाँ पर काफ़ी सारे ट्री पहले ही जो है कट भी हो चुके हैं, और ये बीच से तो सारा इलाका साफ़ ही हो रखा है, और ये सामने के ट्रीज़ रहते हैं अभी, तो मतलब काफ़ी सारे ट्रीज़ हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ से वुड मिल सकती है। बस इसे इधर ही पार्क कर देता हूँ, और अब यहाँ से जो है पहले तो मुझे इन ट्रीज़ को जो है काटना पड़ेगा। ये जो है मैंने इस वाले अटैचमेंट से ट्राई किया था, बट ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इससे इतना ईजिली काम होता नहीं, इसको तो जो है मैं साइड में पार्क कर देता हूँ, इसको अभी यूज़ नहीं करने वाला, बस इसको इस ट्रैक्टर के साथ ही जो है नीचे लेके चला जाऊंगा, इसको अपने फार्म पर ले जाके वहीं पार्क करूंगा, इधर ज़रूरत है नहीं इसकी अभी। और इन ट्रीज़ को काटने के लिए मेरे पास वाली चेनसो है, इस वाली चेनसो से जो है फटाफट ये वाले ट्रीज़ कट जाएंगे, पहले मैं इसी वाले ट्रीज़ को काट लेता हूँ, यहाँ से कट जाएगा। ये तो गया, और एक ही और काट लेता हूँ, तो तीन चार ट्रीज़ काट के एक बार लोड करके देख लेता हूँ, और सेल करके भी देख लेता हूँ, अगर सही रेट मिलेगा तो ट्रीज़ काटने का फ़ायदा है, नहीं तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ट्रीज़ काटने का। अभी तो मुझे पता भी नहीं है कि यहाँ पर ट्रीज़ जो है सेल कहाँ पे करके आने हैं, और इतना बड़ा तो ये जो है लोड होगा नहीं, इसलिए जो है यहाँ बीच से जो है ये और काटना पड़ेगा मुझे। चलो अभी जो है इनको पहले लोड करके देख लेता हूँ कि इसमें जो है लोड होते भी या नहीं होते। वैसे तो इसमें ऑटो लोड का फंक्शन है, ये अपने आप पिक कर लेता है साइड से, बस साइड में ले आके यहाँ लगाना है मुझे। और अब एक बार ऑटो लोड का देख लेता हूँ, ये अभी ऑटो लोड हो ही नहीं रहा, और मैंने सिर्फ ये चक्कर में लिया था कि ऑटो लोड हो जाएगा, और ये वुड लॉग्स को डिटेक्ट तो कर रहा है,
पर पता नहीं क्यों ऑटो लोड नहीं कर रहा, इधर भी जो है ऑटो लोड का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा इसमें कोई इशू है अभी, ये ऑटोमेटिकली जो है पिक कर नहीं रहा, तो इसमें एक दूसरा क्रेन वाला आता है वो वाला लाना पड़ेगा मुझे, जिससे मैं क्रेन से यहाँ से इन्हें पिक करके इसके अंदर लोड कर पाऊंगा। तो वैसे मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे जगह तो अपनी ही है, तो वुड प्रोसेसिंग का प्लांट मैं यहाँ पे खुद का ही लगा लेता हूँ, और यहाँ पे कहीं पे भी जो है एक वुड प्रोसेसिंग का प्लांट लगा दूंगा, उसमें डायरेक्ट ये वाली ट्रीज को जो है काट के मैं सप्लाई करता रहूंगा, और उससे वहाँ से जो है वुड प्रोसेस होके अपने आप सेल होती रहेगी मार्केट के अंदर, तो मुझे जो है इतना लंबा इसको ट्रांसपोर्टेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आसपास की जितनी भी ये जगह है ऊपर तक ये सारी अपनी है, इन सारे ट्रीज़ को काट काट के यहाँ से जो है क्रेन से उठा उठा के मैं इधर ला के डाल दूंगा, तो ऐसा ही कर लूँगा, या फिर जो है एक बार दूसरे वाला ये जो ट्रेलर है क्रेन वाला वो भी ला के ट्राई कर लूँगा, बट अभी तो मुझे लग नहीं रहा ये वाला काम होने वाला है। तो अभी जो है मैं एक बार फार्म पर चलता हूँ, और फार्म पर मैं वैसे ये वाला ट्रैक्टर ले कर चलता हूँ इसको, तो जो है ये वैसे भी जो है यूज़ में आ नहीं रहा, ये जो उसके पीछे क्रेन लगी हुई है काफ़ी ज़्यादा छोटी है, इससे काम बनता भी नहीं है, ये छोटे ट्रीज़ के लिए है, और यहाँ पे ट्रीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हैं, तो इसको जो है नीचे ले जाके पार्क करता हूँ, वहीं पे कोई छोटे मोटे ट्रीज़ को उठाने का काम आ जाएगा। और यहाँ पे क्या सीधा खाई है क्या नीचे? नीचे तो खाई नहीं है, बट ढलान है और काफ़ी ज़्यादा है, उतार ही देता हूँ इसको, उतर जाएगा। थोड़ा सा तो जंप लिया, थोड़ा सा तो जंप ले लिया, बट सीधा हो गया। और इधर की साइड से चलता हूँ, यहाँ शॉर्टकट है, यहाँ से अपना फार्म जल्दी आ जाएगा, और यहाँ से और भी ढलान आ गया, और इसकी क्रेन फंस गई यहाँ पे, तो इसको हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको फंसा रहने तो यहीं पे, और ये अपने बिल्कुल फार्म के ऊपर ही है, तो मुझे पता है मैं निकाल लूँगा यहाँ से, और ये नीचे जो है अपना ही फार्म है, तो यहाँ से जो है ईजिली कभी भी निकाल के ले जाऊँगा। और ये ट्रैक्टर थोड़ा पलट तो गया, और थोड़ा क्या ये सारा ही पलट गया और अपने आप ही सीधा हो गया, और ये ट्रैक्टर है इतना छोटा है इजीली जो है सीधा हो जाता है, और अगर सीधा ना भी होता तो मैं किसी दूसरे ट्रैक्टर को ला के इसमें थोड़ी सी टक्कर मारता है सीधा हो जाता। अब क्या करता हूँ, यहाँ से मुझे दूध के लिए ना टैंकर लेके जाना है, टैंकर इसी से अटैच कर लेता हूँ, टैंकर भी छोटा है इससे इजीली अटैच हो जाएगा, ये वाला टैंकर है, और ये दूध आ भी जाएगा इस टैंकर के अंदर, लग तो दूध वाला ही रहा ये, हाँ दूध वाला ही है, आ जाएगा। और ये जो सामने चमक रहा है ये अपने बोट के जो ट्रेलर के टायर हैं वो शाइन मार रहे हैं इतनी दूर से ही। और इस खेत के लिए मुझे हर्बिसाइड का स्प्रे करने वाला लाना था, वो मैं भूल ही गया, अब ये ले आता हूँ वहाँ से, ड्राइवर असाइन कर देता हूँ, एक मिनट इसको रोक के ना पहले उधर ड्राइवर असाइन कर दूँ खरीद के, वो यहाँ लेके आ जाएगा। तो ये ले लिया मैंने मशीन, और ये रेंट पर लिया है, और इसके लिए बस अब ड्राइवर असाइन करना है, तो ड्राइवर अपने फार्म पर लेके आ जाएगा। ये मशीन अभी यहाँ पार्क को रखी है, तो अपनी जो है लोकेशन मार्क करनी है बस, और अपने फार्म की लोकेशन है यहाँ पे, इस रोड तक लेके आ जाए बस, यहाँ से तो जो है मैं खेत में लगा दूंगा इसको, बस कर दी स्टार्ट जॉब। और ये कौन लेके जा रही है, अबे बचा के अभी चढ़ा देती उबर, ये तो कोई लेडी हैवी ड्राइवर है, लेके चली तो गई। चलो मैं अभी फार्म पे चलता हूँ, तो मैं इस वाले टैंकर में जरा दूध भर लूँ, और देख भी लूँ यहाँ पर डेयरी कहाँ पर है इस वाली जगह पर, ताकि मैं दूध सप्लाई कर सकूं, थोड़ा आगे करके फिर यहाँ पे मिल्क आएगा। अभी भी मिल्क नहीं आ रहा, मिल्क तो है इसमें 1000 लीटर। ओ ये मिल्क वाला टैंकर नहीं है, ये स्लरी वाला टैंकर है, मुझे लगा इसमें मिल्क भी आ जाएगा, तो ये तो जो है स्लरी के लिए था, ये वाला नोजल मेरे को लग रहा था कि काओ मिल्क के लिए है, तो ये तो अपने किसी काम का नहीं है, मिल्क वाला टैंकर और लेके आना पड़ेगा अभी। तो ये वाला मिल्क का ट्रक है जो मैं पहले फार्म पे यूज़ करता हूँ, तो ये वाला काफ़ी सही है। और अभी यहाँ पे एक एक करके सारी चीज़ें मुझे परचेज करनी पड़ रही हैं, जैसे जैसे उनकी जरूरत पड़ रही है वैसे वैसे परचेज करनी पड़ रही हैं। तो ये आ चुका अपना ट्रक मिल्क वाला, और अभी जो है मुझे यहाँ पे सारी चीज़ें परचेज करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं इस वाले फार्म को अपना सेकेंड सबसे बड़ा वाला फार्म बनाने वाला हूँ, तो इसलिए जो है यहाँ पर काम काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, इसलिए काफ़ी सारे व्हीकल्स भी चाहिए होंगे, जैसे अपने मेन फार्म पर काफ़ी सारी चीज़ें चलती हैं, इसलिए जो है काफ़ी सारे व्हीकल्स की वहाँ रिक्वायरमेंट रहती है। और यहाँ पे जो है ये सेकंड नंबर का फार्म बनने वाला है, या फिर हो सकता है आने वाले टाइम में ये फर्स्ट नंबर का फार्म भी बन जाए सबसे बड़े वाला, तो इसीलिए जो है यहाँ पे सारी चीज़ें जो मैं लेके ही आ रहा हूँ, क्योंकि वो लंबे टाइम तक ज़रूरत पड़नी ही है, उनकी दूध भी सप्लाई करना है, वुड्स भी सप्लाई करनी है, अभी तो बस स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में थोड़े से व्हीकल जो है इकट्ठे करने पड़ रहे हैं। और ये ट्रक यहाँ पर इतना हिल क्यों रहा है, ये जो है पहली बार मैंने रोड पर इतनी तेज़ स्पीड में चलाया इसलिए हिल रहा है, क्योंकि अपने पुराने फार्म पर तो डेयरी पास में ही है काओ बांध के, तो ज़्यादा दूर ले जाना नहीं पड़ता। और वो सामने हर्बिसाइड वाली मशीन भी पहुंच गई, उसे भी जो है खेतों में ही लगा देता हूँ, और इसने खोल भी दी वहाँ जाके, अबे ट्रैफिक क्यों रोक रहा है, खोलने को थोड़ा खा था, खाली ऐसे पहुँचाने को कहा था।
तो पहले इस ट्रक को साइड में पार्क करके ना इस मशीन को हटा लूँ, नहीं तो ये यहाँ पे ट्रैफिक जाम लगा देंगे। दोनों साइड का ट्रैफिक रोक दिया इसने। ये कर दिया स्टार्ट और यहाँ से हट जाता हूँ, इसे करने देता हूँ। ये यहाँ पे जो है फटाफट से स्प्रे कर देगी। ये मशीन जो है काफ़ी ज़्यादा वाइड है और चल भी काफ़ी तेज़ रही है, तो मेरे को लग रहा है तो इसको 2 मिनट भी नहीं लगाएगा पूरे को स्प्रे करने में। ऑलमोस्ट वहाँ तक पहुँच भी गया है। मैं जो है ज़रा ट्रक कहाँ गया अपना, यहाँ पे है ये रहा, और इस ट्रक से ज़रा काओ वान से मिल्क ले लूँ और फिर देखता हूँ यहाँ पे डेयरी कहाँ पे। अभी किसी और की डेयरी पे सप्लाई करके आना पड़ेगा क्योंकि अभी खुद की डेयरी नहीं है। बस अब इसमें मिल्क कलेक्ट कर लेता हूँ, इसमें भी थोड़ा सा आए करके आएगा, इसमें भी मिल्क नहीं आ रहा। आज गड़बड़ क्या हो रही है इस वाले फार्म पे, इतना ज़्यादा इशू आ रहे हैं इस वाले फार्म पे। इस वाले काओ बान के अंदर मिल्क तो है और मिल्क तो 1253 लीटर है, तो मिल्क ये मिल्क का ही तो है इस साइड। तो आयन लग गया इसमें थोड़ा, लेफ्ट साइड को मैंने ट्रक को घुमा के लगाया है तो इसमें मिल्क आ गया और 1253 लीटर मिल्क आ गया। और इसके ढक्कन सारे बंद कर लूँ और इसे बाहर निकाल लूँ और अब यहाँ पर देखता हूँ डेयरी कहाँ पर है। 1253 लीटर के तो वैसे जो है काफ़ी कम अमाउंट मिलेगा, बट फिर भी पहली बार ट्राई करने के लिए ठीक है, थोड़ा सा पता चल जाएगा कि यहाँ पे मिल्क सेल कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे इस एरिया में कोई डेयरी नहीं है ना कोई बेकरी है जहाँ मैं मिल्क सप्लाई कर सकता हूँ, मुझे तो अभी कुछ भी नहीं दिखा। और ये कुछ जोकर करके दिखा है, इस जगह जाके देखता हूँ क्या है ये, क्या है ये जोकर करके। हाँ ये तो लैंग्वेज भी कौन सी लिखी हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा है इसका। और ये इधर ये तो कुछ जो है मेरे को मशीन्स वगैरह का लग रहा है, डेयरी तो नहीं है ये। हाँ ये कोई डीलर वगैरह है। और यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ था, ये मैन फ्री लिखा हुआ है, ये तो मुझे लग रहा है मंडे टू फ्राइडे लिखा हुआ है, 9 to 18 मतलब सुबह के 9 से शाम के 6 तक। और पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है, और पीछे देख लेता हूँ, ये डेयरी तो नहीं है, मुझे लग रहा था ये डेयरी होएगी बट ये कुछ और ही है, यहाँ पे कोई डीलर वगैरह ये। तो डेयरी का तो यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है। और इधर की साइड तो मैं आया ही नहीं हूँ इस वाले एरिया में, ये वाला एरिया भी ठीक है, यहाँ पे भी जो है घर वगैरह हैं काफ़ी सारे और बाहर ये वुडन फ्लोरिंग की हुई है इधर भी, और इधर भी खेत वगैरह काफ़ी अच्छे बना रखे हैं। तो इस एरिया में भी आऊँगा। और वैसे वहाँ पर सामने मेरे को कुछ दिख रहा है माउंटेन के ऊपर, जैसे किसी का प्राइवेट घर वगैरह हो, ये ट्रीज वगैरह ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से रास्ता भी जा रहा है। चलो इस एरिया को भी एक दिन आके देखना पड़ेगा, अभी डेयरी तो है नहीं। और वैसे मेरे पास बैलेंस है, मैं देख लेता हूँ, एक छोटी वाली डेयरी आती है 50,000 यूरो की, वो मैं अपने फार्म पे लगा लेता हूँ। तो इस एरिया में जो है डेयरी का काम भी जाएगा। और यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन है, मैं अपने इलेक्ट्रिक वाले व्हीकल्स इधर ला के चार्ज कर सकता हूँ और दो दो चार्ज हो सकते हैं इससे। यहाँ पर green 1 green 2 लिखा हुआ है, तो अभी एक बार अपने फार्म पर वापस चल के अपने फार्म पर डेयरी लगाता हूँ। और अपने यहाँ डेयरी लगाने के लिए मेरे पास सामने वाली जगह है जो मैंने पहले खाली की थी ना, तो वहाँ पर डेयरी लगा लेता हूँ। डेयरी भी जो है 70,000 यूरो की है छोटे वाली, तो कोई नहीं इसे रोड के बिल्कुल पास लगाता हूँ डेयरी को, और इधर की साइड यहाँ पे लगाता हूँ, इधर रोड के पास रहेगी। तो और भी जितने ही फार्मर्स हैं जिनके जो है रिक्वायरमेंट है मिल्क वगैरह सेल करने की, वो मुझे आके यहाँ पे सेल कर देंगे और यहाँ से मैं डेयरी पेट्स बना बना के सेल कर दूंगा, तो काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाएगा। डेयरी का तो काफ़ी स्कोप है यहाँ पर क्योंकि कोई और डेयरी है ही नहीं। तो अब जो है इस मिल्क को अपनी डेयरी में सप्लाई करके आता हूँ, सामने बिल्कुल रोड के पास लगाई है। उस डेयरी में मिल्क सप्लाई करने के लिए यहाँ पे है टैंकर जिसमें अनलोड करना होता है, इसमें अनलोड करता हूँ, फटाफट से अनलोड हो गया। बाहर सुल्टर तो कुछ भी नहीं होता डेयरी के लिए, इस ट्रक को यहाँ ही छोड़ता हूँ। अभी जब काउस और मिल्क देंगी तब इस ट्रक की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और एक बार इस डेयरी को स्टार्ट कर दूँ, अभी ये खुद से स्टार्ट तो शायद हो ही नहीं होगी, तो अभी जो है ये इनएक्टिव है, इसको एक्टिव करना पड़ेगा। उसमें 3 चीज़ें बन सकती हैं, बटर बन सकता है, चीज़ बन सकता है और चॉकलेट नहीं बन सकती, चॉकलेट के लिए शुगर चाहिए, शुगर मेरे पास अभी है नहीं, मेरे पास खाली मिल्क है, मिल्क से डायरेक्ट बटर और चीज़ बन सकते हैं। तो दोनों चीज़ें जो है मैंने एक्टिवेट कर दी और ये रनिंग मोड में भी आ गई है, और यहाँ पे बटर और चीज़ दोनों स्टोरिंग मोड में, अभी मैं सेल नहीं कर रहा। तो ये डेयरी वाला काम भी जो है हो गया, आप बस इस वाले खेत को साफ करके और यहाँ पर जो है प्रॉपर खेती बाड़ी करने का टाइम आ चुका है। और अब जो है 1-2 वीडियो मैं प्रॉपर खेती बाड़ी करूँगा, अब जो है शॉपिंग वगैरह थोड़े टाइम के लिए रोकनी पड़ेगी क्योंकि मेन काम खेती बाड़ी का है। और खेती बाड़ी करके यहाँ पर थोड़ी सी पहले क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते हैं, उसके बाद जो उससे प्रॉफिट आएगा तब इस फार्म को आगे बढ़ाने के लिए सोचेंगे, और तब यहाँ पे और चीज़ें मैं जो है परचेज करने लगूँगा।
तो अभी यहाँ पे भी स्प्रे हो गया। तो ठीक है आज के लिए फिर इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।